करता हूं। एम्प्लॉयमेंट का काम माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से अनुरोध है कि श्री श्याम रजक जी को शांत हो जाइए। सबसे ज्यादा तो मीडिया के साथी आप लोग शांत हो जाइए तब ना कुछ रखेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज माननीय श्याम रजक जी के मिलन समारोह के अवसर पर उपस्थित पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय संजय झा जी, माननीय मंत्री विजेंद्र यादव जी, माननीय मंत्री विजय चौधरी जी, माननीय मंत्री जमा खान जी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा जी, और आज जिन माननीय मंत्री रत्नेश सदा जी, और आज जिनके नेतृत्व में इतना कार्यकर्ता जो आज पार्टी के सदस्यता ग्रहण करने आए हैं, माननीय मंत्री पूर्व श्याम रजक जी, माननीय पूर्व सांसद चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी, और पार्टी के नेता सदन में विधान परिषद में मुख्य सचेतक संजय गांधी जी, माननीय पूर्व मंत्री रंजीत गीता जी, मंचा सिंह, सभी सम्मानित नेतागण, और इस ग्राउंड में इस सभागार में उपस्थित जो माननीय पूर्व मंत्री श्याम रजक जी के साथ आए हुए जनता दल यूनाइटेड के सदस्यता ग्रहण करने आए हुए तमाम इनके कार्यकर्ता साथीगण और मीडिया के साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, छायाकार साथी, मैं सबसे पहले समाजवाद के प्रोधा जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर बने इस सभागार में माननीय पूर्व मंत्री श्याम रजक जी का घर वापसी पर इनके पूरे टीम के साथ आ रहे घर वापसी पर इनको बहुत बहुत स्वागत करता हूं और बधाई अभिनंदन करता हूं। अरे इनके साथ कई नेता, अरे बोलने दीजिए, इनके साथ कई महत्वपूर्ण नेता, मेजर राजकुमार रजक जी, श्री अजय कुमार रजक जी, फयाद अहमद जी, जितेंद्र ठाकुर जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अति पिछड़ा मंच, श्रीमती इंदू देवी जी जिला पर्षद, श्रीमती पूनम कुमारी जिला परिषद सुपौल, तमाम लोग आज जनता दल यूनाइटेड पार्टी की प्राथमिकी सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं सबसे पहले फिर से इन तमाम जो साथी आए हैं सभी लोग का जनता दल यूनाइटेड में ढेर सारी इनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज के तारीख में समाजवाद राजनीति का विचारधारा संस्कार कुछ कहीं सुरक्षित है तो है जनता दल यूनाइटेड पार्टी, जिसका नेतृत्व हम सबों के नेता श्रद्धेय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के न्याय के साथ विकास की मुहिम को गति देने के लिए आज माननीय पूर्व मंत्री श्याम रजक जी जनता दल यूनाइटेड पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, फिर से इनका अभिनंदन है, स्वागत है। आज स्वतंत्र भारत के इतिहास में हमारे नेता के कद के बराबर कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं है। हम लोग का
ये सौभाग्य की बात है कि हम लोग ऐसे नेता के नेतृत्व में काम कर रहे हैं जिन्होंने गांधी, लोहिया, जयप्रकाश, अंबेडकर, कर्पूरी ठाकुर के सपनों को, उनके विचारों को सर जमीन पर उतारने का काम किया। ऐसे नेता के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। हमें खुशी इस बात का है, प्रसन्नता इस बात का है कि श्याम रजक जी ऐसे समय में ये घर में वापस आ रहे हैं। 2025 का जो सामने चुनाव है, उस चुनाव में जो बेहतर प्रदर्शन के लिए, हमारी पार्टी को बेहतर मजबूती धरदार बनाने के लिए ये जनता दल यूनाइटेड पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। इस अवसर पर हमें पूरा विश्वास है, भरोसा है कि इनके आने से संगठन में मजबूती मिलेगी और हमारे नेता का जो मुहिम है, जो न्याय के साथ विकास, वो मुहिम को तेजी मिलेगी। हम तो इतना ही कहेंगे इस अवसर पर। और मैं खासकर मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं इनके तमाम कार्यकर्ताओं को और इनके ये जो साथी आज लोग जनता दल यूनाइटेड पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, उनके मान सम्मान स्थान का पार्टी पूरा पूरा ख्याल रखेगी। जो आप माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के में विश्वास व्यक्त करते हुए, पार्टी के नीति सिद्धांत में आस्था व्यक्त करते हुए जो आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, इसके लिए मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं। और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से चाहूंगा, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी से और तमाम नेता से जो मंच पर उपस्थित हैं कि आज इनका सदस्यता ग्रहण कराएं, प्राथमिकी सदस्य ग्रहण कराएं। बनाए गले लगाते हुए सर। बोले कि लोग बुला लीजिए। नहीं नहीं कौन नहीं बसी बुलवाना नहीं, खाली सदस्यता कराए। हम मेजर राजकुमार रजक जी से, मेजर राजकुमार रजक प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय जनता दल, मेजर राजकुमार रजक, मेजर राजकुमार रजक, आज है अजय कुमार रजक पूर्व पार्षद फुलवारी, अच्छा फयाज अहमद जी, जितेंद्र ठाकुर जी, इंदु देवी जी जिला परिषद, पूर्व जिला परिषद इंदु देवी जी, पूनम कुमारी जिला परिषद सुपौल, पूनम कुमारी, पूनम कुमारी, जितेंद्र ठाकुर जी सुपौल की रहने वाली है। अजय जी हैं, अजय ठाकुर जी हैं सर। अजय, ये अजय ठाकुर, जितेंद्र ठाकुर, थैंक यू सर। अहमद, अहमद, अहमद,
लाइए ना, हो गया, चलिए बोलिए। हम एक मिनट बोलेंगे, श्याम रजक जी खत्म और क्या बस। अरे पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय संजय झा जी, रखेंगे अपनी बात। संजय झा जी से आग्रह करेंगे, आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, रुक जाइए। राठियन पीछे इनसे बनवा लेते, कोई बात नहीं, इन्हीं को। आज के इस मिलन समारोह में हम लोगों के प्रदेश के अध्यक्ष भाई उमेश कुशवाहा जी, जितने सारे साथी मंच पे इस कार्यक्रम में आए हुए हैं, हम लोग श्याम रजक जी के मिलन समारोह के लिए आए हैं। और श्याम जी पार्टी के पुराने आदमी रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के साथ मंत्रिपरिषद के सदस्य भी रहे हैं। और जो मुख्यमंत्री जी ने आज ना बात होती है सब कैटेगराइजेशन की, ये ओरिजिनल आइडिया नीतीश कुमार जी का रहा, जो पूरे देश में पहली बार महादलित क्या होता है ये बिहार में उन्होंने करके दिखाया, उनको बीच में काम करके दिखाया। एक बड़ा अपील श्याम जी का हमेशा इन सब वर्गों में रहा है, बड़ा काम रहा है, पुराने आदमी है, जमीन से जुड़े हुए आदमी है। तो जनता दल परिवार में मैं उनका स्वागत करता हूं आज, और उन्हीं को बोलता हूं कि अपनी बात वो रखे। सम्मानित जनता दल यू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भाई संजय कुमार झा जी, हमारे अभिभावक तुल्य और बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री सदस्य श्री बिजेंद्र प्रसाद यादव जी, वरिष्ठ मंत्री हमारे साथी और बड़े भाई भाई विजय कुमार चौधरी जी, पूर्व भाई मंत्री जमा खान साहब, भाई सुनील कुमार सिंह जी, और राष्ट्रीय जनता दल से आए हुए तमाम जो जनता दलियों की सदस्यता ग्रहण किए हैं वो तमाम साथीगण, और जनता दलियों के महासचिव भाई मनीष कुमार सिंह जी, और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और जनता दलियों के प्रदेश अध्यक्ष भाई हमारे उमेश कुशवाहा जी, भाई चंद्रशेखर प्रसाद चंद्रवंशी जी, हमारे साथी छोटे भाई माननीय मंत्री भाई रत्नेश सदा जी, और तमाम जनता दलियों के तमाम पदाधिकारी साथीगण, मैं सबसे पहले मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं, और अपने नेता नीतीश कुमार जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जब हमने यह निर्णय लिया, और निर्णय जब लिया क्योंकि हमारे नेता रहे हैं माननीय चंद्रशेखर जी जो आज नहीं है, उन्होंने कहा था कि स्वाभिमान और सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करना। उन्होंने यह भी कहा था कोई निर्णय लेना हो, कोई फैसला करना हो तो समाज के जो सबसे पीछे पैदान पर बैठा हुआ आदमी है उसकी आंखों में आंखें मिलाकर करके ये तय करना कि तुम्हारे फैसला से उनको लाभ होगा कि नहीं होगा। और जब मैं निर्णय लेने की स्थिति में आया तो मैंने देखा और मुझे महसूस हुआ, और फुलवारी की जनता और तमाम हमारे साथी ने कहा, और उस व्यक्ति की आंखों में जब देख रहा था तो महसूस हो रहा था कि नीतीश कुमार जी ने जिन योजनाओं के माध्यम से बिहार की तस्वीर को बदलने का काम किया है, क्योंकि आज जो समाजवाद की बात होती है, समाजवाद परिवारवाद में चला गया, समाजवाद भ्रष्टाचार में चला गया। जिस दल में मैं था, मैं गया था, मैं इस बात को कबूल करता हूं, मेरा गुनाह रहा है कि मैं जब गया था मुझे महसूस होता था कि इनके स्थिति को और मजबूत करूंगा और समाज में जो सबसे पीछे व्यक्ति उसको विकास करने का काम करूंगा। लेकिन नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से आगे बढ़ाने का काम किया, उस पर बाधा देने का काम और रोड़ा देने का काम राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा होने का काम किया। मेरी आदत नहीं है किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने का, लेकिन मैं घुटन महसूस कर रहा था, अपमानित महसूस कर रहा था, उन बातों को आपके बीच बताने का काम नहीं करूंगा, लेकिन इतना कहने का काम करूंगा, जहां परिवारवाद, भ्रष्टाचारवाद, कई तरह की बात
जब विकास की बात नीतीश कुमार ने की थी, हम याद है मुझे, हमें मौका मिला, मेरा सौभाग्य है कि नीतीश कुमार जी के साथ मेरा काम करने का सौभाग्य मिला। और जब सौभाग्य मिला काम करने का, तो जिस बात को चंद्रशेखर जी कहा करते थे उसको साकार करने का काम नीतीश जी का नेतृत्व में और जनता दल यू की सरकार ने, हमने उसमें थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाने का काम किया। मैं घुटन महसूस कर रहा था राष्ट्रीय जनता दल में जाकर के, वीरेंद्र बाबू बीए चौधरी जी मुझे मना कर रहे थे उस समय, लेकिन कुछ परिस्थितियां थी, कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जिसके कारण मैं भवावेश में वो निर्णय ले लिया, और भवावेश का कारण रहा कि मैं 4 साल तक घुटन महसूस करता रहा। मैं पूरा कोशिश करता रहा, स्थितियां बने स्थितियां बदले, लेकिन वहां तो राजनीति सिर्फ वक्तव्य के लिए होता है, काम के लिए नहीं। हमने कहते थे कि जो दलित समुदाय है, जो महादलित समुदाय है, आज बड़ी बहुत चल रही है, हम उस पर आज नहीं कहेंगे, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल में हमने कहने का काम किया, एहसास कराने का काम कीजिए कि महादलित और जो अति पिछड़ा अल्पसंख्यक जिसकी वकालत आप करते हैं उसका एहसास हो कि आप उसके लिए कर रहे हैं। लेकिन करना अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने निकटतम के लिए, भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए, और कहना उनकी बातों के लिए। लोग कहते हैं, लोग कह रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के लोग कि सत्ता के लिए गए हैं। अरे मैंने तो राष्ट्रीय जनता दल में आया था, जनता दल के मंत्री पद छोड़ करके आया था, विधायक पद छोड़ करके आया था, ऑक्सीजन जनता दल ही से ले जा करके राष्ट्रीय जनता दल को में शामिल होने का काम किया था, लेकिन उस ऑक्सीजन का उन्होंने नाजायज फायदा उठाने का काम किया और उसका दुरुपयोग करने का काम किया। लेकिन जब मुझे लगा कि अब यह दुरुपयोग की सीमाएं लांघ चुकी है, मैंने आग्रह किया अपने साथियों से, और मैं आज नतमस्तक हूं अपने नेता नीतीश कुमार जी के प्रति कि जिन्होंने जनता दल यू में परिवार में मुझे शामिल करने के लिए उन्हें स्वीकार करने का काम किया, मैं उनके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। साथियों, बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी लड़ाई है देश में, काम करने वाले लोग, गरीबों की बात करने वाले लोग, लोहिया, कर्पूरी, ठाकुर, जेपी अंबेडकर के सपनों के साकार करने वाले लोग, के नाम लेने वाले लोग सिर्फ ढोंग करने का काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार काम करने में विश्वास करते हैं। आज लड़ाई है हमारे साथियों, जब आप आए हैं इस दल में और जनता दल के साथी मिलकर करके नीतीश कुमार जी के जो लड़ाई है, जो विकास की जो सोच है, उसको पड़ाव पर हम तरपने नहीं देंगे, मंदिर तक पहुंचा कर करके ऐसे कुरूतियों को और ऐसे जो लोग जो अपनी देखलाना चाहते हैं ऐसे लोगों को दरकिनार कर करके और सही दिशा में नीतीश कुमार जी के सपनों का साकार, जो सपना अम्बेडकर ने देखा था, जो सपना लोहिया ने देखा था, जो सपना गांधी ने देखा था, सपना को साकार करने के लिए नीतीश कुमार जी के रास्ते पर, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक एक कार्यकर्ता पंचायत और टोले तक जाकर करके हम लड़ाई को विजयी करने का काम करेंगे। मैं पुनः कहना चाहता हूं, हजारों हजारों रास्ते पर चलना है, हजारों किलोमीटर पर चलना है और नीतीश जी के साथ चलना है, चल कर करके उस विजन को आगे बढ़ाने का काम करना है। मैं पुनः अपने नेताओं के समक्ष, नीतीश जी के समक्ष मैं कहना चाहता हूं, आप समाज के समक्ष, मैं आया हूं जनता दल यू में काम करने के लिए, और काम जितना भी मिलेगा हम और हमारे साथी 24 घंटा के 24 घंटा हम खटने का काम करेंगे, और जनता दल यू की साख को जो आगे बढ़ रहा है उसको और बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत लोग नौटंकी करेंगे, नौटंकी आज भी चल रही है, हम उत्तर कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि समाजवादी का तो बात था कि सड़क पर संघर्ष करेंगे, ये लोग वातानुकूलित कचरे कमरे में बैठ करके संघर्ष करने की बात कर रहे हैं। इसलिए साथियों, उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं, लेकिन इतना है कि हमारा लड़ाई इस राज की गरीब गुड़वा की लड़ाई है, और उसको मंजिल तक पहुंचाने का
हर गौर कसर उठाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय हिंद, जय बिहार, जय नीतीश कुमार, जय जदयू।